जो खेल खेलना था उन्होंने खेल लिया। उस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान मांगा, दे दिया। मौलाना आजाद उनके बेटे को यहीं छोड़ गए, वो एक और नया पाकिस्तान बनाने के लिए यहां पूरी ताकत से लग गए। बाप नंबरी बेटा दस नंबरी। बाप ने सीधा उल्टा भड़काया, बेटे ने घुमाकर भड़काया, और बेटे ने कानूनी व्यवस्थाएं ऐसी करवा दी देश में जिन व्यवस्थाओं में रास्ते खुले छोड़े गए, लूज पॉइंट्स कानूनों में छोड़े गए। बिना पढ़ा लिखा आदमी कानून में जब अपना वक्तव्य देता है तो सोचो कि वो क्या सोच कर देता होगा, उसका भी तो कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसका भी तो कोई थॉट होगा ना। फिर एजुकेशनल व्यवस्था आई तो अकबर महान, ताजमहल बनवाया शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए, ताजमहल की कार्बन डेटिंग हुई तो 1200 साल पुराना है वो, ताजमहल के चित्रों को देखेंगे तो ओम बना है उनमें हर फूल में, कमल के फूलों से सजा हुआ है, मंदिर का गर्भगृह है उसमें, मंदिर का शिवालय है, गौशाला है अंदर, आज भी उसका नाम गौशाला है, वहां बोर्ड लगा है मोटा मोटा गौशाला, और वो मुगलों के समय पर भी गौशाला थी और आज भी गौशाला, वहां गाय पला करती थी। उसके बगल में एक बलराम मंदिर है बहुत बड़ा सा, दोनों तरफ जैसा नदियों के किनारे जब मंदिर बनते हैं तो दोनों तरफ छोटी छोटी घटियां बनती हैं, दोनों तरफ घटियां हैं उसमें जहां स्नान करने का स्थान है। उसका पूरा आर्किटेक्ट हिंदू आर्किटेक्ट है, और कह दिया, लिखवा दिया हमारे उसमें कि साहब ये तो वो शाहजहां बनवा गया अपनी बेगम के लिए, कार्बन डेटिंग कह रही है 1200 साल पुराना, तो 1200 साल पुराना है तो फिर था क्या वहां 1200 साल पहले, वो पत्थर कहां से आए, वो कैसे बना स्ट्रक्चर, उस पर जो वो बनी हुई है ना छत पर वो क्या बोलते हैं गुम्मद, गुम्मद के ऊपर चांद बना है, तो कह दिया है मुसलमान का चांद है क्योंकि चांद तो पैदा हुआ अरब में, भारत में तो हुआ ही नहीं, मुसलमान के पैदा होने से हजारों वर्ष पहले भगवान शिव ने अपनी जटाओं पर चांद लगाया था, लेकिन उन दोनों चांदों में फर्क क्या है मालूम है, भगवान शिव का जो जो चांद है वो सीधा है और अल्लाह मियां का जो चांद है वो टेढ़ा है, अलाइनमेंट गड़बड़ है, क्यों वहां से जैसा दिखा होगा वैसा है, यहां से जैसा दिखा होगा भगवान का वैसा है, तो ताजमहल का चांद कैसा है, सीधा है ऐसा ऐसा भगवान शिव की जटाओं पर है, उसके जो गुम्मत बने हुए हैं ऊपर जो वो बनी हुई है सोने की, आजकल तो वो तांबे की बनी हुई है, उसका स्ट्रक्चर कहीं से इस्लामिक नहीं है, क्योंकि हमारे यहां कैसे बनता है, पहले बड़ा बनता है फिर छोटा बनता है फिर छोटा बनता है फिर बड़ा बनता है फिर छोटा बनता है, ऐसे बन के जाता है, उनकी टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है। चारों दरवाजे एक से, ताजमहल की सबसे खास बात क्यों ये वंडर है, बनवा कोई भी सकता है, चारों तरफ से ताजमहल एक सा दिखता है, जिधर से भी आप देखेंगे उसको एक, और उसका सूल साउथ बिल्कुल एक सा है। लेकिन मौलाना आजाद ने पढ़ा दिया हमको कि वंडर ऑफ बर्ड क्रिएटेड बाय शाहजहां, कबर ऊपर बना दी फर्ज नकली, नीचे भगवान, देखो जब भी गर्भगृह होता है वहां पर सीलन रहती है, तो गर्भगृह पर जमुना नदी का जल गिरता था, भगवान शिव की वहां पर कभी वो रही होगी, और पूरे हिंदू स्ट्रक्चर के हिसाब से बना हुआ है। अगर आपको पढ़ना हो तो पीएन ओक की किताब है, उसको आज तक कोई झुटला नहीं पाया, इस बेस पर आगरा के कोर्ट में मुकदमा है, कई वर्ष हो गए, केंद्र को भी और राज्य को भी दोनों को नोटिस है, जिसमें ये डिक्लेरेशन सूट डाला गया कि इसको डिक्लेयर किया जाए कि यह शिव मंदिर है, और आगरे को शिव की नगरी कहा जाता है। आगरे में जब आप घूमेंगे तो आगरे के हर कोने पर शिव मंदिर है, हर कोने पर, मध्य में भी और किनारों पर भी, नदी के किनारे। लेकिन साहब मौलाना आजाद एजुकेशन मिनिस्टर थे। फिर कुतुब मीनार, कुतुब मीनार
प्योर रूप से हिंदू स्ट्रक्चर है, 12 ग्रहों के आधार पर उसकी प्रणालियां बनी हुई हैं। ऊपर से जब आप उसका हेलीकॉप्टर चित्र लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि जो कुंडली बनती है ना, कुंडली का स्ट्रक्चर है उसका। यस, नहीं शॉर्टकट टाइम नहीं, ऐसा गोल, लेकिन जो 12 घर होते हैं 12 घर बने, उसके बगल में एक 18 घर का भी चक्कर बना है, 18 घर का चक्कर बना है जो कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया होगा। क्यों? क्योंकि 18 घर के हिसाब से ज्योतिषी की गणना नहीं हो पा रही होगी, तो ज्योतिषी गणना करिए। टाइम उससे देखा गया, हमारे यहां टाइम देखने का बहुत पुराने वो हुआ करते थे कि वो बनता था उसमें से जो धूप पड़ती थी, धूप के हिसाब से हम कहते थे ये उत्तरायण है कि दक्षिणायन है। एजुकेशन मिनिस्टर ने कह दिया ये कुतुब मीनार है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये बनती चली गई। उसके बगल में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है, क्योंकि मोहम्मद को पढ़िए, क्योंकि मोहम्मद कहते हैं कि अयोध्या में वैसा ही स्ट्रक्चर मिला है खुदाई में जैसा आज कुतुबुल इस्लाम मस्जिद महरौली में बनी हुई है। आज भी वो मस्जिद जो कुतुब मीनार बताते हैं ना कि बनाई, उस मस्जिद के पिलर्स पर भगवान की मूर्तियां बनी है आज भी। अब मुसलमानों का तोड़ना संभव नहीं है, नहीं अभी तोड़ डाला होता, बराबर करते होते तो निशानी कैसे बचेगी। तो वो पिलर्स मस्जिद के आज भी हिंदू स्ट्रक्चर है, देवी देवता बने उस पर, कलश बने हैं, फूल बने हैं, आगरे में भी यही बना है, गौशालाएं बनी है। और वो शहर 12 मेहर के द्वारा बसाया गया, मेहरौली 12 मेहर के नाम से आज भी है। 12 मेहर कौन? गुप्त काल के आर्किटेक्ट जो ज्योतिषाचार्य थे वो 12 मेहर थे। 12 मेहर का हम ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं और 12 मेहर के नाम से मेहरौली शहर बसाया गया। उस मेहरौली में उनकी ये प्रयोगशाला बनाई गई, लेकिन दुर्भाग्य से मौलाना आजाद हमारे हो गए पहले एजुकेशनल मिनिस्टर, और वो अरब से आए थे, उनको तो हिंदुस्तान का मुसलमान बनता तो एक बार उसको समझ आता मेरे पूर्वजों का है धरोहर है, लेकिन अरब से आया उसको कैसे धरोहर समझ में आया, उसको तो डिस्ट्रॉय करना है, और डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ गई, पाकिस्तान अलग बन चुका है, तो पाकिस्तान में डिस्ट्रॉय करवा सकते, हिंदुस्तान में कैसे करवाएंगे जब तक पॉपुलेशन ना आ जाए एक चरम स्तर पर। तो कम से कम पढ़ाई दो हिंदुस्तान के यूथ को कि लाल किला इन्होंने बनवाया, फलाना लाल किला मुसलमानों ने वहां अरब से आके बनवाया, वहां नहीं ऐसी तीसी करवा पाए अरब में, एको वहां भी तो एक ठो बनवा लेते। अरे एक ताजमहल जहां से आए थे वहां पर भी तो बनवाते भाई, अपने पितामा के घर में जहां पैगंबर पैदा हुए वहां बगल में बनवा देते, कहते ये देखो हम निशानी बना रहे, वहीं के थे यहां क्यों बनाने चले आए। आप बताओ, नहीं आप बताओ इसके पीछे लॉजिक है। आप जहां से आए भाई, हर आदमी अपना गांव बनाता है, हर आदमी अपने देवता का घर बनाता है, उसके अगल बगल सुंदरीकरण करता है। आप यहां पर शासन कर रहे थे, विश्व के सबसे बड़े शासक थे, तो आपने वहां नहीं कुछ बनाया, एक ईंट नहीं लगवाई, यहां क्लेम कर रहे हो। तुम्हारे बाप दादो ने बनाना जानते ही नहीं थे, बनाते कैसे? बनाना जानते तो वहां भी बना लेते, वो तोड़ना जानते थे, तोड़कर टेढ़ा मेढ़ा कर लो और उस पर भाई। एक वो कहावत सुनी ना, कहने लगे एक सुई बनाई गई और ये कहा गया संसार भर से कि इस पर स्पेशलाइजेशन कुछ करिए, तो जब सब लौट कर आई तो हिंदुस्तान वाले ने लिख दिया मेड इन इंडिया, सब ने किसी ने नोक बनाई, किसी ने स्टील लगाई, किसी ने होल बनाया, तो उसने लिख दिया मेड इन इंडिया। हजार लोगों ने कारीगरी करी, मेड इन इंडिया, हजारों सालों से बने मंदिर मेड बाय इस्लामिक रूलर डिक्लेयर कर दिया। किसने? मौलाना आजाद ने, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर थे, किताबें लिखवा रहे थे, सिलेबस बना रहे थे, बिना पढ़ा लिखा आदमी भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर था, सोचो तो क्या बनाएगा वो। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में भी है और उसके भाई भी हैं बंगाल से ही आते हैं, क्या करेंगे ये? ये रास्ते यहां पर खोलेंगे, उन्होंने रास्ते खोले, और सौभाग्य से, आप हमारा सौभाग्य देखिए, सौभाग्य से सन 1957 की 22 मार्च को एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, गजट हुआ, उसके हेड के रूप में एक साइंटिस्ट, वो पूरी 7 साइंटिस्टों की कमेटी थी, उसमें एनसी लहरी भी थे। आज आप कंप्यूटर पर कुंडली देखिएगा